तो आप ये बता रहा, हर जगह से आपकी जो कीवर्ड है उसकी रेलेवेंसी ऐसी होनी चाहिए कि घूम फिर के बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाए। यानी एक ही डोमेन है और उसपे मुख्तलिफ चीजें रखी। मिसाल के तौर पर सैंडल सेल कर रहा है, सैंडल्स भी होने चाहिए, स्लीपर्स, कॉन्वर्स शूज, किसी भी किस्म के शूज सर्च कर रहा है वो आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए और वो वहां तक पहुंच जाए एक ही वेबसाइट पे। सबसे पहले आपने डोमेन नेम अच्छा परचेज करना है, मिसाल के तौर पर इसे इनका डोमेन है। और उसके बाद URLs का जो मरला है ना वो बड़ा देखभाल के सर्च करना है कि भाई ये फोल्डर के अंदर ये चीज अफ्रीकन एलिफेंट यहाँ पर पड़ा है। मिसाल के ये मेरा मेन डोमेन है, ये मेरा फोल्डर है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट पड़ी है, मिसाल के तौर अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, गूगल आएगा, गूगल ने पढ़ा एनिमल्स, गूगल अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट एक तो कीवर्ड भी बन गया ग्रीन से हाईलाइट में होगा, ये अफ्रीकन एलिफेंट्स कोई भी सर्च करेगा गूगल को भी आसानी होगी, उस यानी जो आया होगा उसको भी आसानी होगी और हर तरह से रेलिवेंट रिजल्ट शो करेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, टॉप पर लेके आएगा। ये तो एक बिल्कुल पहली सीरीज थी। इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च प्लस टॉप। ये एक ऐसा जबरदस्त लम्हा है कि जहां पर आपकी इंटेलिजेंस यूज होती है। कीवर्ड फिलहाल के तौर पर कोई शख्स फर्नीचर सेल आउट करता है, उसने एक वेबसाइट बनाई फर्नीचर की, उसने दुनिया जान के फर्नीचर हमारे अपनी वेबसाइट पर रखी, हर किस्म का फर्नीचर स्टोर। कीवर्ड कैसे सिलेक्ट कर रहा है, इको फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, स्कूल फर्नीचर, ये फर्नीचर, वो फर्नीचर, 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 फर्नीचर। गूगल एक वक्त आएगा बेजार हो जाएगा, गूगल बोलेगा इस फेमस फर्नीचर, हाँ देख लिया भाई तुम फर्नीचर बेचते हो, मतलब ये नहीं कि हर जगह तुम फर्नीचर ही। दो चीजों से हम भी इरिटेट होते हैं, गूगल भी इरिटेट होता है इरिटेशन से। यानी अगर मिसाल के तौर पर नाम विश्वास नाम है, तुम नाराज है, नाम बोलेगा नहीं भाई क्या हो गया मैं नाराज नहीं हूँ, थोड़ा सा घूम फिर क्या होगा, नाम नाराज है, नहीं यार क्यों जाने कुछ नहीं होगा, नाराज क्यों होगा मैं तुझसे, फिर घूम क्या हुआ नाम बोले नाराज है, नाम बोलेगा क्या हो गया, नहीं नाराज नहीं हूँ मैं तुझसे, कोई बात नहीं मेरे गंदे में हाथ टैपिंग करेगा, बोलेगा नहीं नाराज नहीं फिर मैं जा रहा हूँ, नाम नाराज है, ओ भाई जहाँ मुझे काम कर देते नहीं हो तुझसे नाराज, नाम का ये रिस्पॉन्स हुआ, और मैं जाते आते कहूंगा देखा मतलब वो सोचेगा कि वो नाराज कसूर मेरा ही है कि मैं उसको खो रहा हूँ हर चीज, और इसके इसके फीडबैक में क्या आ रहा है मुझे कि भाई ये तो मुझे बेजार कर दिया इसने, एक ही चीज ये लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है, और उसका नाम तो कोई फायदा है और ना ही इस चीज का कोई मकसद है कि यार ये तो बंदा पक्का स्पैमर है, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स इसने रख दिए एक तो, और मैं आगे से भी बताऊंगा कीवर्ड्स की रेंज कितनी होती है, डिस्क्रिप्शन की रेंज कितनी होती है, मेटा टैग की रेंज कितनी होती है। एडवर्ड्स की टूल सबसे बेस्ट है गूगल की इस वक्त, जिसके जरिए आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड किस किस तरीके से सर्च करता है, किसका कितना ट्रैफिक है, और बड़ा इजी सा टूल है adwords.google.com पे जाए, कीवर्ड टूल्स पे जाए, वहां एक चीज लिख दे मिसाल के तौर पर एक यूएसबी है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएसबी यूएसबी है, ठीक है। अब इसको आप कैसे सर्च करेंगे, अगर आपको एक क्वेरी बनाए अच्छी सी ये गूगल पे जाके आपको एक यूएसबी चाहिए आप कैसे सर्च करेंगे, पोर्टेबल कर लें, लोग हर तरह से सोचते हैं, जरूरी है कि आप अगर आप भी यूएसबी आप भी सब यहाँ पर यूएसबी के सेलर है, बड़े बड़े सेलर है, तो आप हर जाविये से सोचने की कोशिश करें कि कौन से जरिए ऐसा है कि लोग सर्च कर लेंगे वहां से, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छा फ्रेज यूज कर सकते हैं, बेस्ट यूएसबी इन पाकिस्तान, लोग सर्च करते हैं, लोग हर तरीके से सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगी कि मिसाल अगर बैटमैन के कॉमिक्स किसी को चाहिए तो उसने सर्च किया बैटमैन, अब बैटमैन की कॉमिक्स आ गए, इसके साथ सुपरमैन के कॉमिक्स आ गए, स्पाइडरमैन के कॉमिक्स आ गए, बैटमैन कॉमिक आ गया, एस के बगैर सिंगुलर में आ गया, लोग किसी भी तरीके से सर्च करते, तो ये आपको हेल्प करता है। अब इसके बाद ये आपको दिखाता है ये रेशियो जो है ना कॉम्पिटिशन का, इसका कॉम्पिटिशन सबसे हाई है, सब बैटमैन कॉमिक्स का रेशियो ये कॉम्पिटिशन है ना बेहतरीन है, यानी हर बंदा चाह रहा है कि बैटमैन कॉमिक्स से मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, कोई भी बैटमैन कॉमिक्स सर्च करे मेरी वेबसाइट टॉप पर, तो ऐसा तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा, उसमें आप कंपटीशन में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा यानी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक कीवर्ड आपके तकरीबन एक साल ले लेगा टॉप पे आने में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक कीवर्ड को हम लोग मिनिमम टाइम जो है ना वो 6 महीने का लेते हैं,
कीवर्ड्स की डेंसिटी के ऊपर होता है कि कीवर्ड्स कैसा है। अभी इस कीवर्ड्स को लोकली लोग जो है आप 900 सर्च कर रहे हैं, ग्लोबली 33,100। अगेन डेंसिटी यही है, ट्रैफिक वगैरह क्या है, ये सब डेंसिटी होता है। हाँ बेसिकली इसका मकसद यही है। हाँ वही सोच रहा था। कॉम्पिटिशन ये होता है कि आप भी एक कीवर्ड के पीछे लगे, तो आपने भी अपने टाइटल में, डेटा डिस्क्रिप्शन में, टैगिंग में हर जगह बैटमैन के कॉमेंट्स लिखे हैं, इन्होंने भी लिखे हुए, ये भी यही चीज प्रोवाइड करते हैं, आप भी वही चीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली वो डाटा इकट्ठा करा हुआ जो वेबसाइट वाले डाल रहे हैं, तो ये गूगल बता रहे हैं ज्यादातर वेबसाइट्स पर कौन से कीवर्ड्स चले हुए, और दूसरी डेंसिटी में वो बता रहे हैं कि लोग ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। लोग तो बिल्कुल यही सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज तो कांस्टेंट है, ये तो गूगल ने निकाल के रखी। बेहतरीन कॉम्बिनेशन वो होगा जिसमें कॉम्पिटिशन कम होगा और डेंसिटी ज्यादा होगी। वो कीवर्ड आपको पहले तो सर्च करना है जिसमें कंपटीशन भी कम मिल जाए और आपकी डेंसिटी। अगर कंपटीशन ज्यादा भी है मिसाल के तौर पर, तो डरने की जरूरत नहीं, आ जाएगी आपकी वेबसाइट जो है टॉप पर आ सकती है। उसके भी तरीके हैं कि किस तरीके से आप मेहनत करिए ना अपनी वेबसाइट को, और सारा काम मैनुअली होगा। पहले ही बता दूं, एक होता है व्हाइट हैट, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ होता है जो मैनुअली होता है, और ब्लैक हैट वो होता है सॉफ्टवेयर को दो 10,000 लिंक आपके लगा देगा, 10,000 डायरेक्टली सबमिशन करके दे देगा आपको, अगले दिन गूगल आपकी वेबसाइट पैन कर देगा। क्योंकि गूगल ने अपना एल्गोरिथम अपडेट किया है जिसका नाम है पेंगुइन, पहले पांडा किया था, फिर पिजन किया, अब पेंगुइन किया। उस पेंगुइन का मकसद यही है, गूगल के इंजीनियर्स बैठे ही इसलिए कि कोई भी स्पैमिंग करे उसको बाहर करो, वो नहीं चाहिए हमें। हमें अपने कस्टमर्स की रिलायबिलिटी चाहिए। उनका मकसद यही होता है कि वो आपकी वेबसाइट टॉप पे ले आएगा, फिर उसके बाद ऐसी ड्रॉप करेगा कि आपकी वेबसाइट दिखेगी नहीं और बैंड ही कर देगा, आप तो बैंड ही कर देता है। आपने इसका कंटेंट उठा लिया, उसका कंटेंट उठा लिया, आगे भी वो भी आएगा। तो कीवर्ड्स का समझ आ गया है, कीवर्ड्स किसी तरीके से सर्च करने और किस तरीके से हो रही है। थोड़ा सा टेक्निकल टच है, थोड़ा सा आगे है और टेक्निकल है, तो फ्रेश हो जाए थोड़ा। एसईओ से फायदा क्या होता है, मतलब एज अ बिजनेस या एज अ प्रोग्रेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल सही ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मुझे एसईओ से फायदा है। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक फैसला लिया आज के आज कि मुझे एक जीवी शॉप खोलनी है, इन्हीं वहां में आइडिया आ गया। इनके पास दो तीन ऑप्शन होंगे, या तो मैं एक शॉप ले लूँ अच्छी सी मार्केट में, हैदराबाद में एक शॉप हो, ये होगा एक इनका ऑप्शन इनके पास आ जाएगा। तो होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग मेरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मेरी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, ई कॉमर्स की एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ लोग आके सर्च कर लें इजीली, क्या क्या है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ अब क्या चाहेंगे, कोई कौन सी भी ज्वेलरी सर्च करे, मिसाल के तौर पर स्नोफ्लैक के नेकलेस भी सर्च करें तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, कोई कहीं से रिंग सर्च करे मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब तक वो बंदा आएगा ही नहीं, तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बाय करेगा, क्या क्या देख के आपकी प्रोडक्ट लेगा, क्या टैलेंट, प्राइस अच्छे रखेंगे, हर चीज रखेंगे, कॉम्पिटिशन में आएंगी, और ये हो सकता है। और ई कॉमर्स की कितनी वेबसाइट हमारे यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रुझान आ रहा है जो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है। कल भी एक मैं बंदे से मिला है नॉन एंड्रॉइड की, वो टैबलेट से भी करता है, वो होता है मैं घर पे बैठे से करता हूँ। उसने ना कोई शॉप ली है ना कुछ ली है, उसने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, लोग घूम फिर के उसकी वेबसाइट पर आ जाते हैं और उसके परचेज करते हैं। क्वेरी में ऑनलाइन बिजनेस होता रहा है गूगल, उसने कोई ऐसा फिजिकली स्टोर नहीं रखा हुआ। ये लोग इस तरीके से बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहा ना कि इनका क्या बिजनेस वालों को क्या, तो बिजनेस का सबसे बड़ा। और दूसरी ये बात कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इतनी नहीं है इसकी, यानी एसईओ के एक कीवर्ड के मिसाल के तौर पर अगर आप लगाएं तो अब तो बहुत डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मिसाल के तौर पर $200-$300 का आपको पैकेज देगा पर मंथ का, आपकी वेबसाइट टॉप पे लेके आ जाए। मेरे ख्याल में एडवर्टाइजिंग में जहाँ लोग इतना खर्च कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजिंग नहीं है बेसिकली, लेकिन ये एक आपको बहुत अच्छा जरिया है कि आपके तक कस्टमर पहुंच जाए, और इसके फायदे भी होंगे, इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा गावर होता है, तो ये है ना कि पैसा आप इस तरीके से कमा सकते हैं, या तो एसईओ एक्सपर्ट बन जाए, क्या है।
क्या चाहते हैं।